हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कपड़े प्रेस करने वाली जो प्रेस होती है, ठीक है, उसका पावर फैक्टर कितना होता है। तो उसको चेक करने के लिए मेरे पास ये एक मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर है, ठीक है, सबूत के लिए। और इस मीटर की क्या खासियत है कि ये वोल्टेज भी बताएगा एक ही टाइम में, एम्पेयर बताएगा और वाट बताएगा, फ्रिक्वेंसी बताएगा, KWH और पावर फैक्टर भी ये बताएगा। तो आज हम इस प्रेस का पावर फैक्टर चेक करेंगे कि प्रेस का पावर फैक्टर कितना होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि प्रेस कौन सी है मेरे पास। मेरे पास है फिलिप्स कंपनी की प्रेस है और इसके ऊपर इसकी जो डिटेल लिखी हुई है ये ज़रा नज़दीक करके दिखाता हूं मैं। 240 वोल्टेज, 50 हर्टेज और ऊपर 1000 वाट, ठीक है, कंपनी वालों ने तो यही लिखा हुआ है। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये कितने वाट की है, कितने एम्पेयर लेती है और इसका पावर फैक्टर कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पावर फैक्टर आ जाएगा इसका। सबसे पहले मैं प्रेस का जो रेगुलेटर है उसको ज़रा सेट कर लेता हूँ। ये तार मैंने लगा दी है। इसको मैं फुल पे कर लेता हूँ, पहले कम करता हूँ एक बारी, फिर फुल पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। और अब हम इसे चलाकर देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर लेगी, कितने वाट लेगी और जो इसका पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं इसे ऑन करता हूँ स्विच को और मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर हमारा ऑन हो जाता है और आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि 3.84 एम्पेयर और 871 वाटेज ये इस समय ले रही है। ये देखिए ज़रा, थोड़ी सी गर्म होने पर वोल्टेज थोड़ी कम ज़्यादा हो रही है, उसी की वजह से थोड़े से वाटेज भी कम ज़्यादा हो रहे हैं। हम इसे 870 वाट ही मानकर चलेंगे, लेकिन जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर इसका एक है। तो जो प्रेस का पावर फैक्टर होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता, पावर फैक्टर हमेशा इसका एक ही रहता है। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।